हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ मॉर्निंग की क्लीनिंग। तो यहाँ पे अभी सुबह का ही टाइम है, ये 8:30 बजे का ही टाइम है, और मैं यहाँ पे कर रही हूँ मॉर्निंग क्लीनिंग और थोड़ी डस्टिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे हर चीज़ों को हटा हटा के मैं अभी यहाँ पे डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि रोज़ की क्लीनिंग करते रहो तो रोज़ साफ़ रहता है। वीकली क्लीनिंग की कोई ज़रूरत नहीं रहती, रोज़ रोज़ साफ़ करते रहो तो एकदम साफ़ सुथरा घर रहता है एकदम बहुत अच्छे से। तो बस मैं उसी को ही साफ़ कर रही हूँ। और जो भी कोई मेरे चैनल पे आए, एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो यहाँ पे मैं डस्टिंग कर रही हूँ, टीवी वगैरह साफ़ करके मैं सोफ़ा भी साफ़ कर रही थी। मैंने कहा इसको भी अच्छे से सरका सरका साफ़ कर दी, क्योंकि काफ़ी दिनों में धूप निकली थी ना, तो मैं इसको अच्छे से हटा हटा के हर सामान को साफ़ कर रही थी। मैंने कहा इसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, कॉलिन से भी बिल्कुल साफ़ कर रही थी, मतलब कॉलिन से भी साथ ही साथ साफ़ करती जा रही हूँ, जिससे जो थोड़ा बहुत डस्ट चढ़ जाती है ना वो भी साफ़ हो जाती है। कहते हैं ना एवरी डे करते रहो तो साफ़ सुथरा रहता है। और मैं यहाँ पे देखिए मेरी टेबल भी कितनी अच्छी लगी, और आप कहोगे कवर थोड़ा सा ना फट रहा था इसलिए मैंने कव लगा दिया। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ बेड में सामान रखने के लिए, और मैंने देखो फटाफट से सामान रख दिया था। तो और यहाँ मैं बेड साफ़ कर रही थी, और यहाँ पे देखो बच्चों ने कितना फैला दिया था, बस इसी को मैं साफ़ कर रही थी। मैंने कहा चलो, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं ना, इनकी किताब वगैरह इधर से उधर हो जाती है, उनको सेट कर रही थी और बेड भी अपना साफ़ कर रही थी। और आप ये मेरा ब्लैंकेट बताना कैसा है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये मेरा ब्लैंकेट। और देखिए यहाँ पे मैं सारी बुक्स वगैरह लगा दी, और फिर मैं साथ ही साथ यहाँ झाड़ू भी निकाल के आ गई। मैंने कि साथ ही साथ यहाँ झाड़ू भी निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे तो मेरे यहाँ बस क्लीन, यहाँ मैंने दूध चढ़ा दिया है, और यहाँ मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा। यहाँ पे मैंने गाजर कस के रख रखी है, ये गाजर मैंने इधर कस के रख रखी है, और यहाँ पे मैंने 2 किलो दूध चढ़ा रखा है, और इंडेक्स पे बना रही हूँ मैं इसे। तो ये मेरा दूध गर्म हो चुका है। तो यहाँ बीच बीच में ना इस हलवे को चलाती भी जा रही हूँ। और आप कहोगे ना भगोनी में बना रही हूँ, भगोनी में मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ना मेरी ये इंडक्शन है, इंडक्शन की कढ़ाई मेरी छोटी है, तो उसमें ये हलवा तो आता नहीं, और इसलिए मैं इसे भगोनी में बना रही हूँ, क्योंकि इंडक्शन पे काम करती है भगोनी, तो इसलिए मैं भगोनी में बना रही हूँ। तो यहाँ मैं काम भी करती जा रही हूँ और इसका भी ख्याल करती जा रही हूँ, तो ये बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मेरा ये ना हलवा बनी आया है। तो देखिए है ना, बस इसको कंटिन्यू थोड़ी देर चलाती रहूँगी, और इसमें मैं डाल दूँगी चीनी। चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालूँगी, जितना भी आप खाते हो उसके अकॉर्डिंग चीनी डाल लेना। मैंने इसमें डाली है 250 ग्राम चीनी, 250 ग्राम से थोड़ी सी कम चीनी डाली है। आप लोग जितना मीठा खाते हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग डाल सकते हैं इसमें चीनी, और इसको कंटिन्यू मैं चलाती रहूँगी। और इसमें मैं थोड़ा सा घी और डालूँगी, हाँ मतलब 2 चम्मच घी है इसमें, इसको डाल दूंगी मैं इसमें 2 से 3 चम्मच इसमें घी डाल दूंगी, मुझे कम लगेगा तो मैं इसमें घी और डाल दूंगी। और इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, और पता है मेरे ड्राई फ्रूट्स ना आज खत्म हुए हैं, तो मैं ड्राई फ्रूट्स नहीं डाल रही हूँ, आप लोग इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल देना। और इसको अभी चीनी डालने के बाद इसमें पानी हो गया है, तो मैं इसको थोड़ी देर कंटिन्यू चलाती रहूंगी, जिससे ये फटाफट से नीचे ना लगे, कभी फटाफट से ये नीचे ना लगे, इसलिए इसको कंटिन्यू मैं चलाती रहूंगी इसको। और मेरे बच्चे बैठे इसे खाने के लिए, बार बार पूछ रहे मम्मी बन गया, अब इसमें टाइम तो लगता ही है। और यहाँ चेतन बैठा है खाने के लिए, वो आया पूछने के लिए मम्मी बन गया क्या, पहले बन जाएगा फिर कर देते होंगे। देखिए हलवा बन गया है, और आप लोग क्या होगी गैस पे, तो मैंने ना वो इंडेक्स बंद करके गैस पे रख दिया था, क्योंकि लाइट जा चुकी थी, तो मैंने इस पर रख दिया था इसे, जिससे ये फटाफट से बन जाए, खाना रहे, तो क्योंकि लास्ट में ही खाना तो इसलिए कोई यूँ नहीं था। तो यहाँ पे मेरा ये बन गया है, आप देखिए, आप लोग भी आइए खाने के लिए। और देखो भाप की वजह से ना ये फोकस नहीं कर रहा है कैमरा, तो आप लोग भी आइए खाने के लिए। तो मैं अभी कटोरी में लगा के देती हूँ, तो आप लोग भी खाइए। तो गर्मा गर्म गाजर का हलवा, सर्दियों में गाजर का हलवा नहीं खाया तो क्या खाया, कुछ भी नहीं खाया ना, तो सर्दियों में तो गाजर का हलवा बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए डाल रही हूँ, तो आइए गर्म गर्म गाजर का हलवा खाने के लिए, लीजिए खाइए गाजर का हलवा। पहले आपको खिलाऊँ, पहले भगवान जी को फिर आपको, तो खाइए आप लोग भी। मुंह किसके मुंह में पानी आ गया, आ करो अपने मुंह में, तो लो जी खा लीजिए। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। यहाँ पे मैं ना वैभव लक्ष्मी माता की पूजा कर रही थी, और दोपहर में मेरे को ना कुछ काम नहीं था तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, और यहाँ शाम के टाइम में वैभव लक्ष्मी माता की पूजा कर रही हूँ। तो बस आप लोग देखिए मैं इस तरह से पूजा ही करती हूँ, तो यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, जोत ले लीजिए,
और यहाँ पे मैं बस पूजा ही कर रही हूँ, इंजॉय कीजिए पूजा को। और यहाँ देखो मेरा भाई आ गया और मुस्कान बैठी है और ये खा रहे हैं गाजर का हलवा। और यहाँ मैंने बनाई थी पालक पनीर की सब्जी, आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी क्योंकि बहुत जल्दी हो रहा था इसलिए शेयर नहीं करती। और मैं भाई के लिए खाना भी पैक करके देनी थी, मैंने कहा वो जा रहा था ना तो मैंने कहा चलो खाना तो लेके जा रहा क्योंकि दूसरे रूम पे रहता है, तो मैं इसलिए खाने को पैक करके दे रही थी। मैंने कहा चलो खाना पैक करके दे देती हूँ, खा नहीं रहा था और तो इसलिए मैं उसको पैक करके दे रही थी। मैंने कहा चलो खाना ले जा तो वो वहाँ पे जाके खा लेगा, तो यहाँ पे मैं सब्जी वगैरह सब पैक करके दे रही थी। मैंने कहा सब्जी वगैरह पैक कर देती क्योंकि ये मेरा कजन भाई है ना, वो हमारे साथ नहीं रहता, रियल भाई नहीं है ये मेरा कजन भाई है, वो दूसरे रूम पे रहते हैं, दोनों भाई एक साथ रहते हैं। तो मैंने कहा चलो दोनों के लिए सब्जी ले जाओ क्योंकि रोटी उन्होंने बना ली थी, सब्जी था, मैंने कहा चलो सब्जी मेरे से मैं पैक कर देती हूँ, सब्जी घर से ही ले जाओ। और वो बस सब्जी वगैरह पैक करके यहाँ पे देखो मैं पैक करके दे रही हूँ सब्जी वगैरह, ये मैंने सब पैक कर दिया, गाजर का हलवा सब्जी वगैरह जो बनाया था ना वो मैंने सब चीज उसको पैक करके दे दी थी। मैंने कहा खा लेना सर्दी का टाइम है तो बस ये मैं कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे ना आपको करूंगी बाय, अब अगले से अच्छे से ब्लॉग के साथ फिर मिलूंगी, अब तब तक के लिए करती हूँ बाय। और वीडियो जरा अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, तब तक करती हूँ बाय। और ये जा रहे हैं यहाँ पे।